अम्बाला में आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में सहायक लाइनमैन पदों की लिखित परीक्षा हुई। इस परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर रखी थी। इसी बीच अम्बाला शहर के सोहनलाल डीएवी गर्ल्स स्कूल में परीक्षा के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सजगता के कारण वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा, जिसकी शिकायत अधिकारियों ने तुरंत अंबाला पुलिस को दी और अंबाला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए एसएचओ राम कुमार ने बताया कि उन्हें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति द्वारा घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, एक पेपर देने का मामला सामने आया है, किसी दूसरे के स्थान पर कोई व्यक्ति पेपर दे रहा था, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? डीएवी सोहनलाल गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी कंप्लेंट मिली है तो कि किसी दूसरे लड़के ने अंदर आने की कोशिश की है, तो उसके बारे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की तफ्तीश जारी है।